हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है ना, अपना एजुकेशनल मिनिस्टर जो है हमारे राजस्थान के, उन्होंने अभी एक डिसीजन लिया है। अब तक क्या होता आ रहा था हमारा कि जो भी 8th क्लास के जो भी बच्चे होते थे 8th क्लास में, उनको फेल करने का कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि आप किसी को भी फेल नहीं करोगे, ठीक है, ये था। बट बच्चों, अब ये जो है रूल, ये चेंज हो गया है। अब इस बार क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 8th क्लास में पढ़ते नहीं हो या तैयारी नहीं करते हो तो भी आपको पास कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब चेंज हो गया है, अब तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए, और ऐसे भी अपन को फेल होने के लिए, पास होने के लिए थोड़ी ना पढ़ना है अपन को, हाँ, या फिर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, नहीं, अपन को करना है अच्छे से, अच्छी नॉलेज लेनी है। जो अभी हमारा सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करना है, उसको समझना है हमको, उसको यूज़ करना है डेली लाइफ में, यूज़ करना उसको, है ना, जितना हो सकता है उसको समझने की कोशिश करना है, फिर याद भी करना अच्छे से, और उसके बाद में हमको अच्छे से ग्रेड भी लेकर आना है ना। कोशिश करो कि प्लस ग्रेड की लाने की कोशिश करनी है अपन को, A+ ग्रेड की, ठीक है। और आपका ऐसे भी जो टारगेट है ना बच्चों, ये A+ नहीं होना चाहिए आपका टारगेट। टारगेट होना चाहिए कि अपनी जो बुक है उसको अच्छे से करना है अपन को, बेस्ट अपनी बुक है, जो भी आपकी बुक है, जो आपका सिलेबस है, उसको अच्छे से करना। अगर आप उसको अच्छे से करते हो, समझते हो, सीखते हो, तो एज आपके जो ग्रेड है ऑटोमेटिक आपके A+ बन जाएंगे। तो आपको तैयारी करते रहना और अभी से करते चलना अपन को, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा आज का ये जो लेक्चर है, जैसा आप जानते हो 6th लेक्चर हमारा, कौन सा लेक्चर है बच्चों, 6th, और इसके 5 लेक्चर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए, जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चल रहा है हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, 3rd नंबर चैप्टर है। और इसी के साथ ही मैंने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे करने के लिए, और ये भी कहा था कि जो सबसे पहले मुझे सेंड करेगा उनका सॉल्यूशन, उनका मैं नाम अनाउंस करूँगा। तो आप में से जिसने सबसे पहले सॉल्यूशन सेंड किए उसका नाम है। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन कौन से दिए थे। एक तो ये दिया था, 13 वाला दिया था, है ना, इसमें आपको ये मैच करने थे। और एक इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपको हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से प्लास्टिक, मतलब कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसके अंदर प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। तो जो सबसे पहले जिसने आंसर किए उसका नाम है निखिल, उस स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, आप ही का साथी है निखिल, उसने सबसे पहले सेंड किया। बट उसने भी एक चीज़ की, उसने जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट के नाम तो बता दिए लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो लेकिन इसके बाद जो स्टूडेंट थी जिसने इसका भी आंसर किया, उसका नाम वही जो लास्ट टाइम थी उसका नाम है इसी का। तो बच्चों, आपको करना तो है ही, और आपको जल्दी भी करना है, आपको फास्ट भी करना है, ठीक है। तो इसी का ने दोनों क्वेश्चन के आंसर करके मुझे सेंड किए थे। तो चलिए, अभी मैं और आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका क्या क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की क्या खासियत होती है बताया था मैंने, जो पॉलिस्टर होता है कि ये ऐसा फैब्रिक है जो कि व्रिंकल नहीं होता है, व्रिंकल यानी कि उसमें सल वगैरह नहीं पड़ते इजीली। और इसके अलावा अगर बात करूँ मैं टेफ्लॉन की, कि जो टेफ्लॉन है, ये टेफ्लॉन, टेफ्लॉन मैंने आपको पढ़ाया नहीं पर अभी पढ़ाऊँगा मैं आपको, जो टेफ्लॉन होता है टेफ्लॉन का किस में यूज़ किया जाता है, नॉन स्टिक है ना, इसमें ना नॉन स्टिक, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर क्यों किया जाता है अभी बताऊँगा मैं इसको। रेयन का यूज़ किया जाता है बच्चों, प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग वुड पल्प से बनाया जाता है रेयन। और इसके अलावा अगर बात करूँ नायलॉन की किस्म की जाती है, पैरासूट वगैरह बनाने में, ये बताया था मैंने आपको। तो इसके 4 क्वेश्चन, ये इनके आंसर करने थे, मैच करने थे आपको। अब इसके बाद में बच्चों, एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको हेल्थ केयर वाला, तो आप सभी ने अच्छा आंसर किया, बाकी इसका आंसर यहीं पर, और यहीं से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो ये है कि अपन को मालूम है कि अपने ये तो पढ़ लिया कि डेली लाइफ के अंदर अपन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं अपन, लेकिन क्या आपको मालूम है इस प्लास्टिक का यूज़ जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है हमारी, जो भी हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे भी बहुत यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देखो, जो भी आप टेबलेट वगैरह यूज़ करते हो तो उन टेबलेट की जो पैकेजिंग होती है वो भी किससे होती है, प्लास्टिक से की जाती है ना, प्लास्टिक के अंदर ही होते हैं वो टेबलेट वगैरह। अच्छा, प्लास्टिक में क्यों ये उसको रखते हैं अपन, मेटल वगैरह क्यों नहीं ले लेते अपन, बताओ, मेटल में क्यों नहीं उसको यूज़ करते, प्लास्टिक में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो होता है हमारा नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करता। अगर रिएक्ट करेगी अपनी टेबलेट वगैरह ख़राब होगी, मेडिसिन ख़राब होगी, तो फिर अपन को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए अपन नॉन रिएक्टिव जो भी प्लास्टिक होता है उसके अंदर उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा थ्रेड्स वगैरह जो धागे वगैरह होते हैं, टाके वगैरह जो लगाए जाते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और इसके अलावा जो स्टिचिंग वाउंड्स
जो स्टिचिंग वाउंड्स, जो वाउंड्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आपके घाव वगैरह आ जाते हैं, उसमें भी कहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, उनको भी क्लियर ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। सिरिंग्स, अच्छा सिरिंग्स किसको बोलते हैं अपन, सिरिंग्स क्या होता है, सिरिंग्स होते हैं बच्चे जो आपके इंजेक्शन होते हैं ना, आपके नहीं सॉरी, जो भी डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, नर्सेज वगैरह, तो उसके अंदर सीरिंग्स के अंदर भी प्लास्टिक यूज़ करता है, इंजेक्शन लगाया जाता है ना वो सीरिंग्स होते हैं। ग्लव्स वगैरह, डॉक्टर ग्लव्स, डॉक्टर जो ग्लव्स पहनते हैं उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। अब इसके अलावा बच्चों, और इसके अलावा एक और प्लास्टिक है, स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है, और इस प्लास्टिक का नाम है टेफ्लॉन। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी आपका क्वेश्चन भी था, आपको याद रखना कि जो टेफ्लॉन एक टाइप का ऐसा स्पेशल प्लास्टिक है जिसका यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स में यूज़ किया जाता है। नॉन स्टिक से मतलब क्या है, अपन आपने देखा होगा कुछ ऐसे कुकवेयर्स होते हैं, कुकवेयर्स यानी जो खाना बनाने वाले जो होते हैं ना, यूटेंसिल बर्तन, उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ कुकवेयर ऐसे होते हैं जिसके अंदर टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है, और उसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो भी अपन उसके अंदर ऑयल वगैरह डालें, ऑयल यूज़ करें, वाटर यूज़ करें, तो वो उसके साथ में स्टिक ना हो, चिपके नहीं। कुछ होता है ना, जब अपन ऑयल वगैरह डालते हैं उसके अंदर कोई भी फूड आइटम डाला, तो वो आपके जो भी पैन वगैरह होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ, पैंस वगैरह होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा बर्तन है ना, तो उसके अंदर अगर आप लोग कुछ भी अगर उसमें कुकिंग वगैरह करते हो ना, ये उसका हैंडल हो गया, कुकिंग वगैरह करते हो, तो अगर उसके अंदर आप कोई आइटम वगैरह जैसे चिप्स वगैरह हो गए, अगर चिप्स वगैरह अगर आप यहाँ पर अगर फ्राई वगैरह करते हो ऑयल के अंदर, ठीक है, अगर ये आपका टेफ्लॉन का नहीं बना हुआ है, तो कोई और अगर अदर मेटल का बना हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो भी आपके पोटैटो वगैरह ये क्या कर जाएंगे, यहाँ पे स्टिक कर जाएंगे, नीचे चिपकने लग जाएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि ये जो पोटैटो वगैरह आपने जो यूज़ किया, चिप्स वगैरह यूज़ किए, या फिर कोई भी और फूड आइटम आपने डाला इस बर्तन में, यूटेंसिल में, कुकवेयर में, वो स्टिक ना हो, चिपके ना ऑयल के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेटल यूज़ करते हैं, और उस मेटल का नाम क्या है बच्चों, याद रखोगे, टेफ्लॉन। क्या नाम है, टेफ्लॉन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है टेफ्लॉन, ठीक है, तो टेफ्लॉन ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा देखो, ठीक है, टेफ्लॉन हो गया हमारा। अब इसके अलावा, अच्छा कोटिंग जानते हो, कोटिंग वर्ड क्या होता है, ये कोटिंग, कोटिंग यानी लेयरिंग करना, लेयर चढ़ाया जाता है, जो आपका यूटेंसिल होता है ना उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोटिंग करना, यानी एक के ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ाना, उसी को हम कोटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं बच्चों कि आप लोगों ने देखा होगा जो भी फायरमैन होते हैं, आग बुझाने वाले आते हैं ना, आग बुझाने वाले आते हैं, तो उनकी एक अलग से यूनिफॉर्म होती है। अब वो फायर को क्या कर रहे हैं, उसको उसको मतलब आग बुझाने जा रहे हैं वो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो जो उनकी ड्रेस बनी होती है, जो यूनिफॉर्म बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, जानकर हैरानी होगी आपको कि वो भी किसकी बनी होती है बच्चों, प्लास्टिक की। अब आप सोचोगे सर आपने बताया प्लास्टिक तो फायर में जैसे जाएगा वो तो मेल्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, अपन को तो पहननी ही नहीं चाहिए, अपन को किचन वगैरह के अंदर पहन के जाना ही नहीं चाहिए अपन को, और लेबोरेटरी में भी नहीं पहन के जाना चाहिए, तो उस केस में फिर ये तो फायर में तो आग में जा रहा है उसको बुझाने के लिए, तो उस केस में तो उसको ये तो फिर जल जाएगी, उसकी पूरी स्किन वहाँ पर स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी प्लास्टिक के। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, क्यों नहीं होता, अगर आप कोई ऑर्डनरी कोई अगर नॉर्मल टाइप का अगर प्लास्टिक यूज़ करते हो, तो उस केस में तो उसके स्टिक कर जाएगा, जल जाएगा वो, है ना, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट यानी पिघल जाएगा। बट यहाँ पे भी जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है ना, वो भी स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है, और वो जो स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है बच्चों, वो होता है मेलेमाइन। मेलेमाइन अपन ने पढ़ा है, बेकेलाइट, मेलामाइन, याद है आपको, तो मेलेमाइन प्लास्टिक बनाया जाता है, मेलेमाइन यूज़ किया जाता है, इस टाइप का प्लास्टिक होता है वो। और इस प्लास्टिक की क्या खासियत होती है कि ये क्या होता है, फ्लेम रेजिस्टेंट होता है। फ्लेम रेजिस्टेंट यानी कि इसमें आग नहीं लगती है, आग नहीं पकड़ता, आग नहीं लगती है, तो इसलिए मेलामाइन का यूज़ करके जो भी फायरमैन होते हैं वो अपने आप को सेफ फील कर पाते हैं, ठीक है, तो याद रखोगे, तो ये टू पॉइंट आपको याद रखने। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया प्लास्टिक के यूजेज, प्लास्टिक के क्या फ़ायदे, जो जो भी वाहवाही करनी थी ना अपन ने, वो वाहवाही कर ली अपन। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे लिए, तो क्या प्लास्टिक हमेशा यूज़फुल ही होते हैं क्या, क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज नहीं है क्या, क्या ये हमेशा हमको फ़ायदा ही पहुँचाता है क्या। देखो बच्चों, आपको बेनिफिट तो पहुँचाता है प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक बेनिफिट के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही क्या होता है, हार्मफुल होता है, इसके भी डिसएडवांटेज है, इसका जो रिलेशन है एनवायरनमेंट से, अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखा आपने कि अपन देखते हैं कि जो भी मार्केट से अपन आइटम लेकर आते हैं, कोई भी थिंग वगैरह अपन यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर जो क्या होती है, रैप्ड होती है, रैप्ड यानी पैकेज होती है, किसके अंदर, प्लास्टिक के अंदर होती है।
चाहे फिर आप कोई टेबलेट लो, चाहे फिर आप कोई चॉकलेट लो, चाहे फिर आप कोई आए कोई भी थिंग लो आप, है ना। चाहे आप टिफ़िन वगैरह लेकर आते हो वो भी प्लास्टिक के होते हैं, चाहे वाटर आप ड्रिंक करते हो वो भी प्लास्टिक के होते हैं, आप कोई कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक ड्रिंक करते हो वो भी प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है। तो अब प्लास्टिक यूज़ कर रहे अपन इतना सारा, तो इसको डिस्पोजल करना भी थोड़ा मुश्किल होगा ना, क्योंकि अपन यूज़ तो कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसको। आप लोग देखना कभी जो गार्बेज वगैरह होता है, कूड़ा कचरा जो होता है गार्बेज, उसके अंदर भी ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, प्लास्टिक ही मिलेगा। तो ये प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है कि इसको डिस्पोज कैसे करेंगे हम। डिस्पोज यानी कि अब इसको यूज़ अब इतना सारे करें कि इसको अपन फेंके कहाँ, इसको जब एक बार अपन यूज़ के लिए तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको अपन वापस इसको डिस्पोज कहाँ करें, इसको रखें कहाँ पर, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे घर के अंदर कुछ भी यूज़ किया, कुछ भी प्लास्टिक वगैरह यूज़ किया, उसको एक किसी में पॉलीथीन में किसी में डाला करा और कहीं पर गार्बेज में जाकर पटक दिया, और वहाँ पर फिर जाकर वो कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो अब वहाँ पर होता क्या है, अब आपने वहाँ पर उसको पटक तो दिया, रख तो दिया वहाँ गार्बेज में, अब प्लास्टिक प्लास्टिक हो गया। अब कई सारे एनिमल होते हैं जो आकर वहाँ पर गार्बेज में कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए, कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं वेस्ट, मतलब जो भी वेस्टेज जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो वो तो उनको खा लेते हैं, लेकिन साथ में क्या होती है, प्लास्टिक भी होती है। अब उसके साथ में अगर प्लास्टिक वगैरह भी पड़ी हुई है, अगर कोई काऊ वगैरह हो गई, अगर काऊ वगैरह आकर उसको खाती है, ईट करती है, तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या उसकी डेथ हो सकती है, उसकी क्यों डेथ हो सकती है, चलिए आप देखते हैं अपन। तो पहले अपन क्या देखते हैं, जो प्लास्टिक होता है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसको डिस्पोज करना, डिस्पोज करना यानी इसको कहाँ पर इसको रखा जाए यूज़ करने के बाद में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पहले अपन कुछ इसके कुछ मतलब कि ऐसे मटेरियल के बारे में जान लेते हैं कि जो मटेरियल होते हैं ना बच्चों, अपने एनवायरनमेंट में अपने सराउंडिंग में टू टाइप के मटेरियल होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये टू टाइप के मटेरियल होते हैं। क्या अर्थ है इनका, पहले बायोडिग्रेडेबल को देख लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल को बोलते हैं कि ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। आया आपको समझ में, नहीं आया, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। अगर बच्चों अगर ऐसा कोई भी मटेरियल है, जैसे कि मैं बात करूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स जो वेस्टेज फ्रूट है ना, जो फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स हो गए, या फिर पेपर हो गया है ना, पेपर हो गया या फिर वुड हो गया, तो ये ऐसे टाइप के मटेरियल है, अगर आप इनको कहीं पे भी थ्रो करते हो रोड पे या फिर गार्बेज में कहीं पे भी इनको गिराते हो पटकते हो आफ्टर यूज, तो ये क्या होगा, एक टाइम बाद में ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय यानी कि ये मतलब ख़त्म हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। अब डिकम्पोज क्या होता है, डिकम्पोज कहते हैं बच्चों की किसी भी पार्ट का छोटे छोटे पार्ट्स में उसका ब्रेक हो जाना, छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर कोई भी मटेरियल छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज भी किससे, अपने आप से। इनको करने का, डिकम्पोज करने का कौन काम करेंगे, कि जो भी छोटे छोटे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अगर ये बैक्टीरिया और इंसेक्ट अगर ये अपना जो मटेरियल है इसको अगर क्या कर दे, बैक्टीरिया वगैरह क्या करे, इसको अगर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है जो भी अपना मटेरियल अगर उसको क्या कर दे, डिकम्पोज कर दे, डिकम्पोज कर दे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ध्यान रखो ऐसे टाइप को मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलेंगे हम। तो बायोडिग्रेडेबल, समझ में आया, वापस सुन लो, कि ऐसे टाइप के मटेरियल जिनको बैक्टीरियाज के थ्रू उनको नेचुरली नेचुरली क्या कर दिया जाए, डिकम्पोज कर दिया जाए। डिकम्पोज करना है कि ब्रेक डाउन करना, उनको क्या करना, ब्रेक डाउन करना, उनको ब्रेक करना उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल्स। अगर स्मॉल पार्ट्स में अगर उनको डिवाइड कर पा रहा है, ब्रेक कर पा रहा है कौन, बैक्टीरिया वगैरह, तो उस केस में ऐसे टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। ध्यान रह जाएगा, इसके एग्जांपल भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। अब दूसरा अपन बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल, जस्ट इसका अपोजिट होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसको इजीली डिकम्पोज नहीं किया जा सके, नेचुरल प्रोसेस है। यानी कि अगर मैं इसको सीधा सिंपल अगर आपको एग्जांपल से बताऊं कि अगर अपन एक तरफ तो फेंकते हैं कोई एप्पल फेंकते हैं, ये एप्पल मैंने थ्रो कर दी, ठीक है, ये एप्पल मैंने क्या कर दी, ग्राउंड पे थ्रो कर दी, और एक साइड में क्या करता हूँ कोई पॉलीथीन बैग, इस पॉलीथीन बैग को मैं क्या करता हूँ कहीं पे रोड पे फेंकता हूँ, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद अगर आप आके देखते हो तो क्या हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी, गायब मतलब कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जबकि पॉलीथीन होगी आपको वैसी की वैसी मिलेगी,
यानी ये टूट नहीं पाएगी, ब्रेक नहीं हो पाएगी, जबकि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। कौन करेंगे? इसके अंदर छोटे छोटे से इंसेक्ट, कीड़े बनने लग जाएंगे, बैक्टीरिया होने लग जाएंगे, इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे ऑटोमेटिक खुद से, और इसको डिकम्पोज करके सोयल के अंदर मिक्स कर देंगे। तो अगर ये मिक्स हो पा रहा है, ब्रेक हो पा रहा है बैक्टीरिया के थ्रू, तो ये बायोडिग्रेडेबल। अगर नहीं हो पा रहा, जैसे ये प्लास्टिक नहीं हो पाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलोगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ध्यान रह जाएगा आपको। देखो इसकी एक टेबल भी बनी हुई है, टेबल में समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, ये टेबल देखो, अगर बात करूँ मैं पिल्स, एक मिनट, यस, अगर पिल्स हो वेजिटेबल फ्रूट्स एंड लेफ्ट ओवर फूड स्टक, यानी कि जो वेजिटेबल फ्रूट्स के जो भी इसका जो छिलके वगैरह रह जाते हैं, कचरा वगैरह इसका जो रह जाता है, अगर आप उसको फेंक देते हो, तो क्या होगा? वो गार्बेज के अंदर बायोडिग्रेडेबल होगा क्या? वो यस, वो होगा, डिकम्पोज हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अगर डिकम्पोज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, इसको कितने टाइम में हो जाएगा ये डिकम्पोज? 1 to 2 weeks, एक दो सप्ताह के अंदर वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर दूसरी बात करें, मैं पेपर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बच्चों? पेपर की। क्या पेपर भी डिकम्पोज हो जाएगा? हो जाएगा। इसको कितना टाइम लगेगा? 10 to 30 days। तो ये भी कौन सा होगा? बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ, कॉटन के बने हुए कपड़े, ये भी बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, लेकिन इनको जो टाइम लगेगा 2 to 5 months। ऐसे वुड 10 to 15 years, वुड लन क्लॉथ अबाउट 1 year, 1 साल लग जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ बच्चों मैं मेटल की, किसकी बात करें अपन? मेटल की। तो मेटल में ऐसा सीन नहीं है कि जो मेटल होते हैं इनको बायोडिग्रेडेबल होने में, इनको मतलब कि इनको डिकम्पोज होने में कितने सालों साल लग जाते हैं? 100 to 500 years लग जाते हैं इनको बायोडिग्रेडेबल होने। यानी अगर आप कोई भी अगर एक मेटल को अगर रख देते हो आप कहीं पे, ठीक है, मेटल वगैरह जैसे आयरन हो गया, आयरन से आयरन वगैरह हो गया, गोल्ड वगैरह हो गया, हाँ, अच्छा गोल्ड वगैरह भी क्या मेटल है? देखा होगा आपके कई सालों साल जो राजा महाराजाओं जो होते हैं उनके टाइम के भी अपने पास में गोल्ड मिल जाते हैं अपन को, है ना, गोल्ड वगैरह ढूंढते करते हैं तो उनको मिल जाते हैं, मिलते हैं ना कई सारे, जब खाने वगैरह खोदी जाती है माइंस वगैरह उसके अंदर मिल जाते हैं। तो क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं, फिर भी अपन को मिल जाते हैं, इतने सालों बाद ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं वहाँ पर कोई अगर कोई अगर कोई वुड वगैरह होती, क्या वुड मिल पाती है अपन को? वो नहीं मिल पाती है आपको, इसलिए वो क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है। तो जो मेटल वगैरह होते हैं ये किस में आते हैं बच्चों? नॉन बायोडिग्रेडेबल में, है ना, ये इजीली नहीं हो पाते आपके, कई सालों साल लग जाते हैं इसलिए। अच्छा बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक भी हमारे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी इनको तो और कई सालों साल लग जाते हैं इनको किस में? इनको डिकम्पोज होने में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ बच्चों प्लास्टिक। अच्छा इसके प्लास्टिक के कुछ इसके वो देख लें अपन, इसके हार्मफुल इफेक्ट देख लें, कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं अगर प्लास्टिक अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, प्लास्टिक इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी कि एनवायरमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है ये क्या करता है? एनवायरमेंट पोल्यूशन करता है, मालूम है ना। अगर आप क्या करते हो, प्लास्टिक को बर्न करते हो, उससे हार्मफुल गैसेज निकलती है, उससे हार्मफुल गैसेज निकलती है जो एनवायरमेंट के लिए एयर पोल्यूशन कर रहा होता है। वहीं अगर बात करें, अगर आप वाटर वगैरह के अंदर इनको थ्रो करते हो, तो वाटर में भी जाकर क्या करते हैं ये, कहीं पे जाकर अभी वाटर में डिकम्पोज हो नहीं पाते, सही से गल नहीं पाते हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं जाकर ये क्या कर देते हैं? चौक कर देते हैं, वहाँ पे उसको रुकावट पैदा करते हैं, है ना, वहाँ पे ड्रेनेज में वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं उसको। अब ब्लॉक कर दिया ड्रेनेज, तो वहीं पे पानी वाटर वहाँ पे स्टोर होने लग जाएगा, और वहाँ पे क्या होने लग जाएगा? वाटर पॉल्यूशन होने लग जाएगा। तो वाटर पॉल्यूशन करता है। और क्या रहता है? अगर आप इसको जलाने की कोशिश करते हो तो देखो ये इजीली कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होता है। आप किसी पॉलीथीन वगैरह को जलाओगे ना तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होगी। एक तो आप वुड को बर्न करो, लकड़ी को बर्न करोगे, वुड को बर्न करोगे तो वो तो इजीली क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी, पूरी कम्प्लीट बर्न हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्लास्टिक को अगर बर्न करने की कोशिश करोगे तो कम्प्लीटली बर्न नहीं होगी, उसमें रह जाएगी उसके कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। और क्या डिसएडवांटेज है? अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया कि इसके ये डिसएडवांटेज हैं, और भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखो ये आपके जो भी एनिमल हैं उनके लिए तो और भी घातक है, और भी ख़तरनाक है। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि कहीं पे गार्बेज वगैरह अपन इकट्ठा कर देते हैं, उसके अंदर क्या कर देते हैं? प्लास्टिक वगैरह डाल देते हैं। अब उस गार्बेज को जब एनिमल वगैरह क्या करते हैं, उसको ईट करने की कोशिश करते हैं, उनको खाने की कोशिश करते हैं, जब भी उसके अंदर जो फूड वगैरह होता है, वेस्ट जो फूड अपन थ्रो कर देते हैं गार्बेज के अंदर, तो जब उनको खाने की कोशिश करते हो तो उस खाने के साथ साथ फूड के साथ साथ क्या आ जाता है? प्लास्टिक भी आ जाता है। और जैसे वो प्लास्टिक को निगलने की कोशिश करते हैं
तो उस केस में क्या प्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन वगैरह होता है ना, जब भी आप कूड़े के अंदर फेंकते हो या फिर आप खुद ही कहीं रोड पे चल रहे हो, जैसे आपने चॉकलेट वगैरह खाई, आइसक्रीम खाई, तो उसके जो भी रैपर वगैरह होते हैं, उनकी जो पॉलीथीन वगैरह होती है, आपके घर रोड पर फेंक देते हो, या फिर उसके अंदर कुछ बिस्किट वगैरह अगर उसने आपने छोड़ दिया उसके अंदर पॉलीथीन के अंदर, अगर आपने फेंक दिया, तो उसके में अब जो भी कोई भी एनिमल वगैरह अगर उसको खाने की कोशिश करेगा, बिस्किट वगैरह खाने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ साथ किसको खाएगा? पॉलीथीन को भी खा लेगा। अगर पॉलीथीन को खा लिया, अगर उसको निगला, तो वो क्या करेगी? सीधी जाकर उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को जाकर क्या कर देगी? चोक कर देगी। यानी कि उनके जो जो भी इसोफेगस वगैरह हो गया, या फिर उनके जो लंग्स वगैरह हो गया, या फिर जो गला वाला जो है नेक वाला रीजन हो गया, तो उसको जाकर ये क्या कर देते हैं? चोक कर देता है। अब चोक कर दिया, गले वगैरह को चोक कर दिया, तो वो इजीली ना तो फूड वगैरह टेक कर पाएंगे आगे, और ना ही कुछ क्या इजीली ब्रीथिंग कर पाएंगे, तो ऐसे में क्या होगी? उनकी जो डेथ वगैरह हो सकती है, उनकी वो मर सकते हैं, उनके पेट में चला गया। पेट में भी अगर वो पेट अगर सपोज करो पेट में स्वेलन भी कर लिया, निगल भी लिया, निगलने के बाद में कहाँ पर जाएगा? उनके स्टमक में जाएगा ना। कहाँ पर जाएगा बच्चों? स्टमक में, पेट में जाएगा, और पेट में जाएगा, अब पेट में तो वो डिकम्पोज हो नहीं पाएगा। आपका जो पेट के अंदर जो केमिकल वगैरह होते हैं, एसिड वगैरह होते हैं, वो उसको जल्दी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर स्टोर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी क्या हो जाएगी? लेयर पर लाइनिंग पर लाइन, लेयर पर लेयर जम जाएगी, और उनकी फिर बाद में क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो एनिमल की डेथ हो जाती है प्लास्टिक वगैरह से। तो देखा आपने कितना हार्मफुल है। और इसके अलावा एक क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसका? क्लॉगिंग द ड्रेनेज, ड्रेन्स जो भी ड्रेन्स वगैरह होते हैं, नालियाँ वगैरह होती है, नाले वगैरह होते हैं, तो उसमें से जब वाटर वगैरह फ्लो करता है, अगर उसके अंदर आप प्लास्टिक वगैरह पॉलीबैग वगैरह उसके अंदर डाल देते हो, तो वो भी क्या कर देते हैं? उसको क्लॉगिंग, उनको रुकावट पैदा कर देते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये तो हुए कुछ इसके बच्चों डिसएडवांटेज यानी हार्मफुल इफेक्ट। अब आती है बात कि ये तो पता चल गया कि सर इसके हार्मफुल इतने सारे इफेक्ट हैं, तो इसको कंट्रोल कैसे करें हम? क्या करें ऐसा कि हमको इतना नुकसान नहीं हो? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ है उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो अब आप सोचे सर फिर हम यूज़ क्या करें? फिर अगर प्लास्टिक यूज़ नहीं करें तो उसकी जगह क्या यूज़ कर रहे हैं? तो उसकी जगह बच्चों आप कर सकते हो कि ऐसे बैग यूज़ करने हैं आपको जो किसके बने हो? बैग्स मेड ऑफ कॉटन एंड जूट। जो कॉटन के बने हुए जो बैग होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। घर से बने हुए कपड़े के बैग आपको लेकर जाना चाहिए, पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। और दूसरा एक तो यह तरीका हो गया, और हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें जो भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्टेज है उनको क्या करें? सेपरेटली उनको कलेक्ट करें, सेपरेटली उनको कलेक्ट करें या डिस्पोज करें। मतलब क्या इसका? आपने देखा होगा सिटियों में, देखते हो आप अगर, तो वहाँ पे जो डस्टबिन लगाए जाते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, टू टू थ्री थ्री टाइप के लगे होते हैं। तो एक में तो वो क्या करते हैं, एक में तो ऐसे आइटम, एक मिनट, तो एक टू टू टाइप के अलग अलग टाइप के वहाँ पे बैग लगाए जाते हैं। जैसे कि सपोज किया एक ये बैग हो गया, एक है, टू टाइप के वहाँ पे डस्टबिन है। तो ये क्या करते हैं, एक डस्टबिन में तो क्या ऐड करते हैं? ऐसे आइटम जो क्या हो, बायोडिग्रेडेबल, क्या हो? बायोडिग्रेडेबल, जिसको अपन क्या कर सके, जल्दी से क्या हो सके वो, उसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं? उसको यूरिया की तरह खाद की जगह, खाद की जैसे मतलब उसको अपन फर्टिलाइजर जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा था फर्टिलाइजर जैसे खेत के अंदर यूज़ कर सकते हैं अपन, क्योंकि ईजिली क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। और दूसरा अगर अपन बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग डस्टबिन में यूज़ करें, ताकि इनको क्या कर सके अपन, इनको रिसाइकिल कर सकें। रिसाइकिल क्या होता है अभी हम बताते हैं अपन। तो एक तो तरीका यह है कि उनको अलग अलग सेपरेट इनको यूज कलेक्ट करें अपन। अब दूसरा तरीका होता है बच्चों, दो तरीके पढ़ लिए अपन, और क्या हो सकता है, और कैसे अपन इनको अपन सेव कर सकते हैं, अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को? हम क्या करें, इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। हम क्या करें, जो भी प्लास्टिक वेस्ट हुआ ना उसको क्या करें, वापस उसको रिसाइकिल करें। रिसाइकिल मतलब कि उसको वापस फैक्ट्रीज के थ्रू, कंपनीज के थ्रू उसको वापस उसका नया शेप दें, और उसका नया वापस कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट हम उसको बना लें। ठीक है, एक तो ये हो गया, रिसाइकिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या करें, 4R प्रिंसिपल को फॉलो करें। अब 4R प्रिंसिपल क्या होते हैं कि हम क्या करें, एक तो क्या करते हैं उसको रिड्यूस करें। रिड्यूस का मतलब क्या है कि कम से कम यूज़ करें, है ना, उसको कम से कम यूज़ करें। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ करें, कि बार बार यूज़ करें। कि ऐसा नहीं किया है कि भाई अपन ने एक प्लास्टिक की बोतल लेकर आए, प्लास्टिक की बोतल जिसमें आपने पानी लिया, है ना, कोई भी एक प्लास्टिक की बोतल ले ली, इस प्लास्टिक की बोतल में हमने क्या लिया, पानी लिया, पानी भरा, और आपने मतलब परचेज़ कर लिया आपने प्लास्टिक की बोतल, वाटर पी लिया, ड्रिंक कर लिया।
अब ऐसा नहीं करना है कि भाई आपने एक बार यूज़ किया और उसके बाद में क्या कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया है ना, और फिर वापस किया, वापस आके नेक्स्ट शॉप पे गए, वहाँ पे वापस से आपने परचेज़ के लिए, फिर वापस थ्रो कर दिया, फिर वापस नेक्स्ट परचेज़ के लिए, फिर वापस थ्रो, फिर वापस परचेज़ कर लिए। ऐसा नहीं करना आपको। आप चाहते तो इसको वापस यूज़ कर सकते थे, अगेन यूज़ कर सकते थे ना, आपको तो आपको क्या करना, उसको रीयूज़ करना है ना, उसको वापस यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप, प्लास्टिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो तरीके ये हो गए हमारे पास में। एक और कौन सा तरीका है, और हम क्या करें कि एक हम ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक को क्या करें, रिसाइकल करें। रिसाइकल यानी कि जो भी अपन ने उसको अलग सेपरेट कलेक्ट किया, कलेक्ट किए हुए को प्लास्टिक को हम क्या करें, अलग से उसको वापस उसको रिसाइकल करें, फैक्ट्रीज में जाकर उसको अपन नया शेप दें, नया कुछ बनाएं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें होगी, ये जो भी उठाने वाले होते हैं कूड़ा कचरा, वो यही तो करते हैं, गार्बेज में से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, फिर उनको बेचते हैं, बेच के वो जो कंपनी जो खरीदते हैं इंडस्ट्रीज वाले, वो उसको क्या करते हैं, वापस उससे नया प्रोडक्ट बना देते हैं। हो सकता है बोतल से वापस, ख़राब बोतल से वापस उसी से बोतल बना लें। अब इसके बाद में बात करें रिकवर, रिकवर करें, रिफ्यूज़ करें अपन, तो ये क्या है बच्चों, आपके 4R प्रिंसिपल है। अभी टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है, टाइम कम रह रहा है अपने पास में, तो आपको क्या करना है, रिकवर करें उसको, रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, रिकवर करें एंड रिफ्यूज़ करें अपन। तो ये जो 4R प्रिंसिपल है, इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे आप लोग। अब इसके बाद में बच्चों ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश, चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और देखते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब आपके लिए मैं कोई क्वेश्चन दूँ करने के लिए, करके दिखाओगे आप, होमवर्क दूँ मैं आपको, तो होमवर्क है बच्चों आपके लिए। अच्छा, होमवर्क आपको क्या क्या करना है, पहले इसमें आपको नोट भी तो करना है आपको। तो नोट क्या करोगे आप लोग, कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया था। तो कॉपी में क्या क्या नोट करोगे, एक तो आपको ये यूज़ कर लेना, ये लिखना है टेफ्लॉन इज़ ए स्पेशल प्लास्टिक यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर, ये आपको हेडिंग बना के डाल देनी है अलग से। इसके बाद में क्या लिखोगे कि हाँ ये दो, वो लिखनी है आपको अलग से, है ना, अलग से इसकी डिफाइन लिखनी है आपको, अलग से पॉइंट बना के लिख लेना। एक तो बायोडिग्रेडेबल लिखना, बायोडिग्रेडेबल के अंदर क्या लिखोगे कि हेडिंग डाल देना बायोडिग्रेडेबल, और इसके सामने पॉइंट लिख देना, ठीक है, इसकी डिफाइन लिख देना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, अलग से नॉन बायोडिग्रेडेबल की डिफाइन लिखोगे, उसके सामने ये लिख दोगे हेडिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल डाल के, तो ये टू हेडिंग हो जाएगी। और इसके बाद में ये टेबल आप लोग बना लेना, चलो टेबल, ये टेबल भी बना लेना आप लोग। और हाँ, इसके बाद में ये लिख लेना, हेडिंग डालना कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, ये हेडिंग डालना। और हेडिंग डालने के बाद में आपको क्या करना है, हार्मफुल इफेक्ट भी लिख सकते हो, डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो, आप हार्मफुल इफेक्ट लिख देना, डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं अपन। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ये पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग कि प्लास्टिक इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, ये सेकेंड पॉइंट यहीं से, इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, ये 3 पॉइंट हो गया। और बताऊँ इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे, हाँ यस, फोर्थ पॉइंट ये लिख लोगे कि द पॉलीबैग्स रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स, ये 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, यस, अब इसके बाद में यहाँ पे अब आप ये हेडिंग डाल सकते हो, हाउ टू कंट्रोल, ये लिख देना हाउ टू, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, ये हेडिंग डालना, बड़ी होगी हेडिंग, या अगर हेडिंग बड़ी लग रही है आगे देना हाउ टू कंट्रोल प्लास्टिक, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, एक तो ये लिखोगे पहला, इसमें पॉइंट बना के लिखना, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन एंड जूट, ये सेकेंड हो गया। थर्ड ये लिख दोगे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग्स शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, ये 3 पॉइंट हो गया, यस। इसके बाद में ये 4R प्रिंसिपल, ये 4th पॉइंट ये लिख दोगे, 5R प्रिंसिपल, ये आपको करना है, ये 4th पॉइंट हो गया। तो
तो बस यही आपके लिए होमवर्क है। और इस बार अपन ऐसा करने वाले हैं कि देखते हैं कि नेक्स्ट कि इसका होमवर्क कौन कौन करता है, और इस बार जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर जो मैं नाम लेने वाला हूँ उन सभी स्टूडेंट के नाम लूँगा, क्या उन सभी स्टूडेंट के नाम लूँगा जो क्या करेंगे, ये जो भी आज होमवर्क बताया किया मैंने दिया आपको उसको बताएंगे, उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे, ठीक है। अगर जिसका भी होमवर्क कंप्लीट होगा आज का, उन सभी का मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ओके बाय एंड टाइम। और हाँ बच्चों, एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप नीचे लाइक भी कर दिया करो, लाइक बटन है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखो सब्सक्राइब लिख रखा होगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको फटाफट आपको मिल जाए, ठीक है, कर लोगे। और कोई आपके फ्रेंड वगैरह तो उनको भी बताओ कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आप भी ज्वाइन हो जाओ फटाफट, उनको बताओ, दोस्तों को बताओ अपने। तो चलिए ओके बाय एंड टेक।